हेलो गाइस, वेलकम टू ओलंपिक गेमर वाईटी 2.0। और आज मैं एक नए सर्वर पर खेलने वाला हूँ, यानी मैं एक वन ब्लॉक सर्वर पर खेलने वाला हूँ। तो आज के सर्वर मैं वन ब्लॉक पर बनाने वाला हूँ, आज की वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले मैं वन ब्लॉक के अंदर चलता हूँ। यहाँ पर वन ब्लॉक है, मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। अगर आपको भी इसका आईपी चाहिए तो आपको 7 लाख कराने होंगे इस वीडियो पर। तो मैं आपको इस सर्वर का आईपी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं हब के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर शॉप, स्किल्स, ये सब है यहाँ पर। और मैं आगे चलता हूँ थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा लैग हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग खेल रहे हैं। और यहाँ पर मुझे एक डिलीवरी वार्ड दिख चुका है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर मैं अपना डिलीवरी वार्ड को कलेक्ट कर देता हूँ। और ये मैंने क्लिक कर लिया और मुझे 10K रुपीज़ मिले। अब मैं अपने स्काई ब्लॉक पर चलता हूँ। जाने के लिए हमें सिर्फ इस ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है आपको, इसके अंदर मुझे कूद जाना है। और ये मैं आ चुका हूँ अपने वन ब्लॉक में। सबसे पहले मैं थोड़े से इसके ब्लॉक माइन करके आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये टोटल वन ब्लॉक सर्वर है। यहाँ पर मैं माइन करता हूँ, यहाँ पर प्लेन्स आ चुके हैं, गुड लक लिखा हुआ है। और इसे फिर से माइन करते हैं तो यहाँ नया नया ब्लॉक दिखता रहेगा, यानी कि ये हमेशा हमें एक नए नए ब्लॉक, ये सिर्फ एक ही ब्लॉक हमें जनरेट करके देता रहेगा। अगर आपको भी इस सर्वर पर खेलना है तो इस वीडियो पे 7 लाइक्स कराना होगा और मुझे मेरे चैनल पे 35 सब्सक्राइबर्स कराना होगा, तब मैं आपको इस सर्वर का आईपी कोड दे दूँगा। और यहाँ पर मैं अपना आइलैंड को थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूँ। और जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि लाइक और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिए, क्योंकि आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। और यहाँ पर मैं थोड़े बहुत माइन कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ग्रास ब्लॉक आ चुका है, ये रैंडमाइज ब्लॉक हमें देता रहेगा। और हमें इसे तोड़ तोड़ के अपने आइलैंड को एक्सपैंड करते रहना है, और इसमें मॉब्स भी आ सकते हैं। तो हम इसे करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पर हमें थोड़े बहुत स्टार्टर के टूल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि स्टोन के पिकैक्स, स्टोन शॉवल, स्टोन एक्स और एक गोल्डन शॉवल। गोल्डन शॉवल वैसे तो ज़्यादा काम की नहीं होती क्योंकि बहुत जल्दी तोड़ जाती है। और एक चेस्ट मिला जिसके अंदर एक लीड है, एट लेदर से, तो हम इसे अच्छी ही कलेक्ट कर लेंगे। और ये मैंने कलेक्ट कर लिया है, थोड़ा और माइन करते हैं, देखते हैं क्या कोई मॉब आता है फिर नहीं आता है। और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ही मैंने करी ज़्यादा तो नहीं है, बहुत कम ही किया है। अभी मैं ड्रॉट के ब्लॉक पर खोदने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा और खोद चुका हूँ और मैं खोदता हूँ, देखते हैं कुछ आता है या फिर नहीं आता है। और यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे आइलैंड पे एक शीप आ चुकी है। ये आइलैंड बहुत छोटा है इसलिए गिर भी सकती है। मैं आइलैंड को थोड़ा बड़ा बनाते जाता हूँ और मैं बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा माइन करते जाता हूँ और मैं बड़ा बनाते जाता हूँ इस आइलैंड को। और यहाँ पर एक स्पाइडर स्पॉन हो गई थी और उसने मुझे आइलैंड से नीचे गिरा दिया, जिससे मैं एक बार मर चुका था। मगर वो जब मैं वापस स्पॉन हुआ तो वो स्पाइडर गायब हो चुके थे, पर मैंने उसे ढूंढा तो वो कहीं नहीं मिली। शायद से वो भी मेरे साथ नीचे गिर गई होगी, मगर मुझे शीप को कुछ नहीं हुआ, तो ये अच्छी बात है। मैं फिर से और ज़्यादा माइंड करने लगा और यहाँ पर मुझे आयरन और भी मिल रहे थे, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं धीमे धीमे और अपने आइलैंड को एक्सपैंड करते ही जा रहा था। तो थोड़ी देर के लिए इसको तोड़ते ही रहता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर मैं इन्वायरमेंटलिस्ट, यानी कि मैंने एक अचीवमेंट अपना कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर हमारे पास एक पिग भी आ चुका है जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारा आइलैंड एक और मॉब आ चुका है, ये हमारा सेकेंड गेस्ट है जो हमारा आइलैंड पर आया। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो मैसेज वगैरह कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन चेक करते हैं कि हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं फॉरेजिंग में चलता हूँ और यहाँ पर वुड कटिंग का पहला क्वेश्चन 64 o'clock, उसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ लेफ्ट क्लिक करके। ये मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, ये स्टार्ट हो चुका है। अब हम वापस से, और सॉरी मैंने गलती से अपने पिक को ही मार दिया क्योंकि बहुत छोटा है आइलैंड और ये
इधर से उधर हो नहीं पा रहा और ये माइनिंग करने के बीच में गए, इसी वजह से नहीं ले जा रहे। मुझे जल्दी जल्दी ब्लॉक्स तोड़ना होगा और आइलैंड एक्सपेंड करना होगा, क्योंकि ये आइलैंड के लिए बहुत छोटा है और मेरे लिए भी। मैं किसी भी गिर सकता हूँ इस आइलैंड के नीचे। यहाँ पर फिर से चेक करते हैं कि कोई इस तरीके से हो रहा है। ये मैंने एक्टिवेट तो किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसे तोड़ना चालू कर देते हैं, हम अपने तोड़ने के काम को चालू रखे हैं। जब तक हमें कुछ मिल नहीं जाते, यहाँ पर नजरात मिल चुका है मेरे को, और ब्रास ब्लॉक, कॉबल स्टोन, फिर से कॉर ब्रास ब्लॉक। तो मेरे पास कुछ डर्ट हो चुका है इन्वेंट्री में, बस दो ही डर्ट मिले हैं, क्योंकि बहुत कम ही डर्ट के ब्लॉक आ रहे हैं यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना पूरा आयरन डर्ट का ही बनाऊँ सिर्फ, यानी कि मैं उसको ग्रास ब्लॉक बनाना चाहता हूँ। तो ग्रास ब्लॉक तो हम वन ब्लॉक ही से ले लेंगे। यहाँ पर एक और शीप आ चुकी है, ये ग्रे शीप है। मुझे अपने आइलैंड को धीमे धीमे एक्सपेंड करना पड़ेगा, कि मेरे आइलैंड पर बहुत ज़्यादा ही मॉब्स आ रहे हैं, और मुझे इन लोगों के लिए रहने के लिए भी कोई जगह बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाया तो ये लोग गिर के मर जाएंगे। तो देखते हैं अगर कोई जगह, और एक और पिग आ चुका है मेरे आइलैंड पर। तो मेरे आइलैंड पर भी टोटली 4 मॉब्स आ चुके हैं। और तो मुझे माइनिंग करने में दिक्कत हो रही है, कि जिस ब्लॉक में मैं माइन कर रहा हूँ उसी पे आके खड़े हो चुके हैं। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। मगर कोई मैं माइन करता रहता हूँ। अब यहाँ पर और ब्लॉक मिलते जा रहे हैं, जो कि अच्छा है, क्योंकि मुझे अपना आइलैंड को एक्सपेंड करना है। और मुझे थोड़े ओके ब्लॉक्स भी मिल रहे हैं, जो कि वो भी अच्छा है मेरे लिए। अब सबसे पहले मैं और अपना आइलैंड को एक्सपेंड करके देख लेता हूँ और कहीं से, और मैं एक ब्लॉक पीछे चला जाता हूँ ताकि और बड़ा आइलैंड बन सके मेरा। और अब मैं अपने लिए एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। सबसे पहले ओक प्लैंक्स बनाना है। अब ओक को नीचे ले करता हूँ। अब मैं 4 ऐसे रख करके एक एक और एक क्राफ्टिंग टेबल में बना लेता हूँ। अब इसको रख कर मैं कुछ फेंस बना लेता हूँ, ताकि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट, अपने एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकूँ। सबसे पहले ओक को, अब हमें इसके थोड़े स्टिक्स बनाने, मैं ज़्यादा स्टिक्स नहीं बनाने वाला और ना ही ज़्यादा फेंस। यहाँ पर अभी मेरे पास बहुत कम रिसोर्स हैं, इतना मेरे ख्याल से काफ़ी होगा। इस तरीके से मैं इसको रखने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक ऊपर डाल देता हूँ, ये हमारा हो चुका है। मैं यहाँ पर ओक प्लैंक्स लगा देता हूँ। यहाँ पर आ चुका है मेरे पास टोटली 15 बन सकते हैं अगर मैं पूरा बनाऊँ तो। मैं चाहूँ तो और बना सकता हूँ, मगर मुझे और की जरूरत पड़ने वाली है नहीं, मुझे नहीं लगता। ये 15 ही मेरे लिए बहुत है। अब जल्दी जल्दी मैं इसे पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। सिर्फ फेंसिंग करनी है ताकि मॉब्स बाहर नहीं गिरे। अगर मॉब्स बाहर गिर जाएंगे तो इसमें मॉब्स मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। मैं जल्दी जल्दी पूरा फेंस कर देता हूँ। और ये एक शिप तो आधा नीचे लटक चुका है। अगर मैंने इसे गलती से भी धक्का दे दिया तो ये नीचे जा सकता है, इसीलिए मैं सेफ्टी के साथ इसे धीमे धीमे करके मैं ऊपर करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये ऊपर हो चुका है। अब मैं इसे भी फेंस लगा देता हूँ। और यहाँ पर मेरा मॉब प्रोटेक्ट हो चुका है। और इसी के साथ मेरा मॉब सब प्रोटेक्ट हो चुका है। अब मैं माइन करके बाहर बाहर में कर सकता हूँ एक्सपेंड। और ये मैं हब में वापस आ चुका हूँ, और आपको लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। स्टार्ट्स है, स्टोर है, और आगे जाएंगे तो आपको क्रेट्स वगैरह खोलने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर क्रेट्स मिलेंगे जो कि आपको टोकन्स देंगे, जो कि आपके लिए इस गेम में बहुत एफिशिएंट होगा। और यहाँ पर आपको मिनियन चेस्ट भी मिलेगा, जो कि आपके लिए, आपको उसके पास की चाहिए होगा। यहाँ पर पेट शॉप भी मिलेगा आपको, पेट शॉप के लिए आपको बहुत ज़्यादा ही मनी चाहिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने कॉस्ट के पेट्स मिल रहे हैं। और यहाँ पर वोटिंग शॉप है, जिसमें आकर के आप वोट कर सकते हो। स्केलेटन स्पॉनर, जो कि 2 वोट की इसके बदले में मिलेंगे आपको। और भी हर तरीके के स्पॉनर 2 वोट की के बदले में हमें मिल जाएंगे। अब चलते हैं। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक इंचेंटर है, लेकिन हमारी चीज़ों को इंचेंट कर दिया।
और यहाँ पर मैं यूँ ही ऐसे ही कर रहा था तो मैंने लिख डाल के देखा और यहाँ पर कैंसिल कर दिया इसने, तो मैंने इसे छोड़ के चला गया। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर मुझे प्लेयर शॉप मिला, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे प्लेयर इसकी चीज़ें मिली थी जो मैंने शॉप में लगा रखी है। यहाँ पर अभी तो मैंने कुछ नहीं लगा रखा है, इसको क्लिक किया, मैं पता नहीं कहाँ पर टेलीपोर्ट हुई है और मैं उस खिड़किया में आ चुका था। और यहाँ पर पूरा नीचे वाटर का मगर मैं इसके ऊपर चला, ऊपर में पता चला कि ऊपर ग्लास लगी, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ आ गया हूँ। मैं इधर से उधर हो रहा था, फिर मैंने एक कमांड लिख कर मैं वापस में स्पॉन पर आ गया। मुझे बस सिंपली लिखना था स्लैश स्पॉन, तो मैं वापस उसी एरिया में आ जाऊँगा मैं जहाँ पर से आया हूँ। और मैं सिंपली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करने वाला हूँ। थैंक्स गाइस, और जिसको भी इस सर्वर पर आती चाहिए 7 लाइक्स करवा दीजिए।